अचार खाना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हम अलग अलग तरह का अचार बनाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च का अचार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आज मैं दो तरह से अचार आपको बताऊँगी, आप ज़्यादा दिनों के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं या आप इंस्टेंट भी इसे खा सकते हैं, इंस्टेंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली है, उनको अच्छे से मैंने धो लिया है और कपड़े से मैंने इसे पोंछ लिया है और इसके डंठल अलग कर दिए हैं। यहाँ मिर्च को अच्छे से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी धोना अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, हाथ भी अच्छे से साफ़ होने चाहिए। तो अच्छे से हम मिर्च को साफ़ कर लेंगे और सुखा लेंगे। यहाँ मैंने 4 नींबू लिए हैं, इनका रस हम यूज़ करेंगे। अब हम मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे टुकड़े इसके कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो उसमें मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ अजवाइन ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ सौंफ ली है। अब हम इसे भून लेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें सारे मसाले डालकर हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन्हें भून लेंगे, जिससे जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अचार में हम जो भी मसाले यूज़ कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। और इसमें सूखे मसाले होना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 मिनट की मैंने भून लिया है, भूनने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। देखिए मसालों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डाल लेंगे, डाल लेते हैं मसाले। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच राई ली है, राई आप सरसों भी बोल सकते हैं, आप मोटे वाली सरसों भी ले सकते हैं या पीली सरसों ले सकते हैं। चलिए डाल लेते हैं इसे। 2 चुटकी मैंने यहाँ हींग ली है, हींग से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी ली है, डाल लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। देखिए यहाँ मसाले मैंने अच्छे से पीस लिए हैं। अब मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, जिसे हमें धुआं आने तक अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम मिर्च में मसाले ऐड कर लेंगे, जो मसाले हमने पीस लिए थे वो ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ कलौंजी ली है, वो डाल लेते हैं। और अब हम इसमें नींबू का रस डाल लेंगे, जो हमने नींबू लिए थे उनका रस डाल लेते हैं। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं तो इसमें आप तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ कम तेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े दिनों के लिए ही बना रही हूँ। और नींबू के रस की जगह आप वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रिजर्व आप ज़्यादा दिनों के लिए कर सकते हैं। नींबू इसमें बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उनका रस ही हम इसका इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल साफ़ नींबू होने चाहिए। नींबू का रस मैंने डाल लिया है। अब मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच नमक लिया है, नमक इसमें हल्का सा ज़्यादा ही जाएगा तो नमक डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिर्च में अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। अब मैंने जो 2 चम्मच तेल गरम किया था वो ठंडा हो गया है, इसे डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं तो तेल की मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। जब हम जिस जार में हम मिर्च डालेंगे उस जार में ऊपर तक लेयर तेल की होनी चाहिए।
अब हम एक जार लेंगे, जार को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, गर्म पानी से धोके इसको साफ़ कर लेना और फिर अच्छे से सुखा लेना। कांच का जार ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिर्च डाल लेते हैं। मिर्च का अचार आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए डाल लेते हैं। मैं इसको थोड़े दिन के लिए प्रिजर्व कर रही हूँ, तो मैं तेल इसमें कम इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप जार को अच्छे से बंद करके 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। मिर्च का अचार बनकर तैयार है। आप इसे साथ ही साथ खा सकते हैं, या आप इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दीजिए और फिर ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए इसे प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आप तेल को अच्छे से गर्म करके और फिर ठंडा करके मिर्च के ऊपर आप एक लेयर बना दीजिए तेल की, तो आप बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपके लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप भी ऐसे अचार बना सकते हैं और तुरंत खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।